बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वी आर स्टिल डिस्कसिंग द मॉड्यूल नंबर 6, मल्टी व्यू ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस। एंड इन दिस लेक्चर आई एम टेल यू अबाउट इन डिटेल मल्टी व्यू ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर यू वुड बी एबल टू लर्न एक्सप्लेन द ऑर्थोग्राफिक एंड मल्टी व्यू प्रोजेक्शंस। Explain you how you can identify the frontal, horizontal, and profile plane. How you can identify the 6 principal views and 3 space dimensions. How you can apply standard line practices to multi-view drawing and sketches. How you can identify the limiting elements and the hidden features in the multi-view drawing. And finally, how you can create multi-view drawing by sketching. As I told you before, the projection theory is based on 2 variables. First one is the line of sight and second one is the plane of projection. The line of sight is basically the imaginary ray of light between an observer eye and the object. And the plane of projection or POP is basically the imaginary flat plane upon which the image is created by the LOS is projected. तो यहाँ पे मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है और इसको मैं यहाँ पे ऑब्जर्वर के थ्रू जो मैं देख रहा हूँ यूजिंग लाइन ऑफ साइट, तो मेरे पास इसका जो प्रोजेक्टर या प्रोजेक्शन लाइन है उसके थ्रू इसका इमेज जो है मेरा इस प्लेन के ऊपर क्रिएट हो जाएगा। और इसको हमने वेरी डिटेल के साथ अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर कवर किया है, दैट इज लेक्चर -6-1। So, representation, visualization and the specification. Basically, engineering drawing के जो rules हैं वो हमारे पास दो तरह से आते हैं। First one is the manufacturing details, mean how to manufacture it. And the second one is the drawing layout rules, like you can say how to draw the artifact. So, together made a little specification, we should know about size and shape, dimension, tolerance, surface finish and the assembly. And for drawing layout rules, we should know the first or third angle projection, section and cutting plane and the auxiliary projection views. And here are some typical standards जिनको आप further go through कर सकते हैं कि आप standard के मुताबिक किस तरीके से अपने drawing को ड्रा कर सकते हैं, लेकिन हम इस लेक्चर के अंदर जो डिटेल के साथ कवर करेंगे वो एज में 14.3 का जो हमारे पास स्टैंडर्ड है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का उसको हम देखेंगे। फर्दर जो हमारे पास डिमेंशन और टॉलरेंसेस के स्टैंडर्ड हैं, दैट इज एज में Y14.5 एंड 14.5 mm, इसको हम अपने फ्यूचर लेसन के अंदर कवर करेंगे। मल्टी व्यू प्रोजेक्शन सिस्टम, द वर्ड ऑर्थो मीन at right angle. So system for drawing and dimensioning complex 3-dimensional item. तो जो हमारे पास drawing है हमारे पास वो complex हो जाती है अगर हमारा जो object है या product जो है वो 3-dimensional item के अंदर complex nature रखता है। So जैसे जैसे आपकी physical objects change हो रहा उसकी 3-dimensional जो ideas है वो भी चेंज होंगे और उसको हमें 2-dimensional ड्राइंग के अंदर कन्वर्ट करना होता है। तो वी आर यूजिंग द डिस्क्रिप्टिव ज्योमेट्री लाइक ऑर्थोग्राफिक ड्राफ्टिंग मेथड यूज टू स्टडी द 3D ज्योमेट्री विद 2D ड्राफ्टिंग एप्लीकेशन वेयर प्लेन ऑफ प्रोजेक्शंस एनालाइज एंड डिस्क्राइब द ट्रू ज्योमेट्री कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो हम बेसिकली डिस्क्रिप्टिव ज्योमेट्री जो है वो यूज करते हैं ताकि हम अपने 3D ज्योमेट्री को 2D ड्राफ्टिंग एप्लीकेशन के थ्रू अपने एनालाइज कर सकें यूजिंग प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, और हम उसकी ट्रू जो ज्योमेट्री है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम ड्रा कर सकें। सो द लाइन ऑफ साइट इज बेसिकली परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन इन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन व्यूज एंड द सर्फेस ऑफ ऑब्जेक्ट केप्ट पैरेलल टू द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन light surface appears the true size and the shape. So the surface of object not parallel to the plane of projection, और उसको हम कहते हैं कि उस सूरत में हमारे पास जो सरफेस है
it come with appears foreshortened or shorter than the true length. जो हमारे पास उस सूरत में जो ऑब्जेक्ट का व्यू बनता है वो ट्रू लेंथ को रिप्रेजेंट नहीं कर पाता अगर आपका ऑब्जेक्ट पैरेलल नहीं हो रहा प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के. सो ट्रू ज्योमेट्री व्यू मीन्स द व्यू दैट शोज द एक्चुअल शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट. जैसा कि ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है और इसको मैंने डिफरेंट पॉइंट के साथ कैटेगराइज किया 1, 2, 3, 4, 5 and 6. और ये मेरे पास लाइन ऑफ साइट्स है और इन लाइन ऑफ साइट्स को मैंने अपने इस पीओपी के ऊपर ड्रा किया. अब यहाँ पे जो मेरे पास 2, 5, 3, 6 है वो एज इट इज आपको पैरेलल जो लाइंस है वो रिप्रेजेंट कर रहा है. अगर इसी व्यू को मैं यहाँ पे नॉर्मल व्यू में देखूँ तो ये मेरे पास जो है ट्रू मेरे पास शेप आ रही है 2, 5, 3 and 6. बट 1, 2 and 4, 3 इस सूरत में जो मेरे पास लाइन है वो मेरे पास शॉर्ट लाइन है, वो ट्रू लाइन को रिप्रेजेंट नहीं कर रही इस सूरत में. क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरे पास जो लाइन है वो इंक्लाइन है और मेरे पास जो लाइन ड्रा हो रही है वो इस तरीके से ड्रा हो रही है, जबकि ये वाली साइड मेरे पास बड़ी है. क्योंकि जब मैं इसको इस साइड से देख रहा हूँ तो मुझे यहाँ से ये पॉइंट नजर आ रहा है, मतलब ये साइड नजर आ रही है और ये नजर आ रही है. मुझे नहीं आइडिया कि यहाँ पे ये इंक्लाइन है सरफेस. इस इंक्लाइन सरफेस को मैं अप साइड से देखूंगा तो जब डिमेंशनिंग करनी होगी इस लाइन की या इस शैम्फर्ड एलिमेंट की तो मैं इस तरीके से ऊपर अब व्यू में करूंगा. अगर मैं इस साइड से करूंगा तो मेरी ये शेप जो है अब इस लाइन की वो शॉर्ट है. ठीक है. सो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की फॉर्मल डेफिनेशन अगर हम करें तो यू कैन से ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन और समटाइम रेफर टू एज अ मल्टी व्यू प्रोजेक्शन is a geometric procedure that is used in engineering discipline to project the multiple graphic images of three-dimensional objects onto a single two-dimensional plane. So basically orthographic projection jo hai wo aapke three-dimensional objects ke two-dimensional view jo hai single two-dimensional object ka plane ke upar jo hai uske views ko draw karti hai. So the procedure is also called engineering drawing or drafting and it is the primary means of communication that is used by the designers and engineers in the design process. The scope of orthographic projection covers the two main important aspects. First one is to gathering the information from a given orthographic drawing like type of material, size and location of object features like you can say hole, slot, chamfer, etc. and some additional treatment of an object like heat treatment, surface finishing and some so on. And the second aspect of the orthographic projection is the recognizing the shape of an object from a given orthographic drawing like as shown here. जैसे ये मेरे पास एक rounds बार है यू कैन से, तो जो इसकी शेप है उसको रिकॉग्नाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके साथ साथ उसकी जो इंफॉर्मेशन है. तो ये दो बेसिकली मेन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं आपकी ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की ड्राइंग के अंदर. मल्टी व्यू प्रोजेक्शन सिस्टम, वी हैव थ्री रेफरेंस प्लेन और प्रिंसिपल प्लेन दैट इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन द व्यू in multi view projection are the HP, the VP and the PP. So the HP and VP made four quadrant as shown here, the first quadrant, second quadrant, third quadrant and the fourth one. So the position of object in space can be determined by these quadrant, that is the object can be in first quadrant or in second or in a third or in a fourth quadrant. So hamara jo object hai उसकी जो पोजीशन है स्पेस के अंदर वो हम डिटरमिन कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फोर्थ क्वाड्रेंट. सो द लाइन एट विच द एचपी एंड वीपी मीट इज द हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन एंड इट इज डोनेटेड बाय द एक्स एंड वाई. ये जो मेरे पास लाइन है इसको हम एक्स और वाई के साथ डोनेट करते हैं जो एचपी और वीपी के साथ मिलती है. सो द लाइन एट विच द एचपी और वीपी and the PP meet is called the profile reference line and it is denoted by x dash y
डैश, और यू कैन सी H1Y1। तो जो लाइन मेरी VP और PP और यू कैन सी HP और उसके साथ मिलेगी, मतलब VP और HP या इन दोनों में से कोई एक और PP के साथ जब मिलेगी तो उसको हम H1 और Y1 का नाम देंगे और इसको हम प्रोफाइल रेफरेंस लाइन कहते हैं। सो आफ्टर द व्यूज आर ऑब्टेन्ड, द HP इज रोटेटेड अबाउट XY इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन टू ब्रिंग इट इन प्लेन विद द VP। तो जब हम अपने ऑब्जेक्ट के व्यूज को ऑब्टेन कर लेते हैं तो हम अपने इस HP को रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज इन द डायरेक्शन ऑफ द VP ताकि हम उसकी व्यूज को देख सकें। सो द PP इज रोटेटेड अबाउट H1Y1 अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। तो ये जो मेरे पास PP का प्लेन है इसको हम अपने ऑब्जेक्ट से अवे उसको ओपन करेंगे। सो द व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर नाउ अज्यूम टू बी इन वन प्लेन एंड कैन बी ड्रॉन ऑन अ ड्राइंग। सो टू व्यूज ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर ऑब्टेन ऑन द HP एंड द VP एंड द थर्ड व्यू इज ऑब्टेन ऑन द PP प्रिंसिपल प्लेन और द रेफरेंस प्लेन। Okay, now let's move to orthographic views. So, an observer can look toward the object from any direction. Or, however, in multi-view projection, the observer is supposed to look the object from the six principal directions, that is, front of the object, top of the object, right side of the object, left side of the object, back of the object, and finally, bottom of the object. So obviously, six different views of the objects are obtained. जब आपका observer in six different views, मतलब different sides से, means six different direction के through आपके object को या product को देखेगा, तो आपके पास definitely six different views जो हैं वो बनेंगे। So these views are called the principal views as they are obtained on the principal planes, the VP, the HP and the PP. Sometimes auxiliary plane is used to obtain an orthographic views and that view is called the auxiliary views jo ke basically aapke principal plane ke upar nahi bante. Ye mere paas object hai ya you can say product hai jiske six different views jo hai wo yahan pe bataye gaye hain, jaisa ki ye mere paas iska top view hai, ye mere paas left hand side view hai, ye mere paas right hand side view hai, इसी तरीके से मेरे पास फ्रंट व्यू है, बॉटम व्यू है और रियर व्यू है। सो द प्रिंसिपल ऑर्थोग्राफिक व्यूज आर एक्सप्लेन बिलो द फ्रंट व्यू। सो व्हेन द ऑब्जर्वर लुक द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फ्रंट द व्यू ऑब्टेन इज कॉल्ड द फ्रंट व्यू और यू कैन से FV और एलिवेशन एंड FV और यू कैन से फ्रंट व्यू इज सीन ऑन द VP वर्टिकल प्लेन। तो जो आपका फ्रंट व्यू होता है वो आपका वर्टिकल प्लेन के ऊपर बनता है, टॉप व्यू। सो व्हेन द ऑब्जर्वर लुक द ऑब्जेक्ट फ्रॉम अबव, जब अबव साइड से देखेगा तो जो व्यू हमारे पास बनेगा उसको हम टॉप व्यू TV और प्लेन कहते हैं, और जो हमारे पास TV है वो हमारे पास HP के ऊपर बनता है, हॉरिजेंटल प्लेन के ऊपर बनता है। Side view. So when the observer look at the object from side, either it is from the left hand side or the right hand side, that view is known as the side view, or you can say right hand side view or left hand side view, and it is seen on the PP. So left hand side view. So when the observer view the object from the left hand side, so the view obtained is called the left hand side view, or you can say LHSV as I told you before, as well as the right hand side view when the observer seeing the object from the right hand side, so the view obtained is called the right hand side view and also known as RHSV. So for longer objects of uniform cross section like long pipes, supplying shaft, the side view is usually referred as the end view. Bottom view. When the observer look to the object from below, the view obtained is called the bottom view, or you can say BV or the bottom plane. Rear view. When the observer looks the object from back,
जब ऑब्जर्वर बैक से देखेगा तो जो व्यू हमारे पास बनता है उसको हम रियर व्यू और RV का नाम देते हैं, और इस व्यू को हम बैक व्यू और रियर एलिवेशन भी कहते हैं।